भारत बदला है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। भारत नेतृत्व उपरे विश्ववासियों को विश्वास। प्रथम थर पाई भारत अध्यक्षता रे G20 आयोजन December 1, 2022 to 30 November 2023। 200 अधिक G20 बैठक आयोजन चलित वर्ष 8 to 10 September पर्यंत राजधानी दिल्ली में आयोजित होगा जाऊँगी G20 सम्मेलनी। 1 December 2022 to 30 November 2023 पर्यंत G20 शिखर सम्मेलनी भारत अध्यक्षतार जारी रही। इस समय मध्य 200 अधिक G20 बैठक आयोजन करुच्ची भारत। G20 सम्मेलन में प्रमुख 20 सदस्य राष्ट्र समेत मोट 54 देशर अर्थमंत्री और बैंक गवर्नर जोग देउछन्ती, जेउथिरे अर्थनैतिक विषय सहित समाज विभिन्न क्षेत्र विकास उपरे तथ्य रखा जाउछि। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृत काल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, उसका गौरव बढ़ाने वाली बात है। और मुझे खुशी है कि G20 समिट को लेकर भारत में होने जा रहे इससे जुड़े आयोजनों को लेकर उत्सुकता और सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इंडोनेशिया परे भारत को मिली बड़ दायित्व। शक्तिशाली संगठन नेतृत्व नेउची भारत। वर्ष तमाम नुआ आह्वान, देशव्यापी 200 बैठक आयोजन लक्ष्य रही। G20 बैठक को समावेशी उच्चाभिलाषी निर्णायक और कार्य संपादनामूलक करने को लक्ष्य रखा जाई। आगामी समय आह्वान गुड़िकर मुकाबला सहित विश्व शांति प्रतिष्ठा और अंतर्भुक्तिकरण आर्थिक प्रगति हासिल दिगरे भारत की पदक्षेप नब ता भारत पर बड़ आह्वान सृष्टि कर। द वर्ल्ड इज इन अ डीप क्राइसिस, वी कैन स्टिल प्रोग्रेस एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। इन इंडियन कल्चर बोथ the goddesses of knowledge and prosperity are seated on a lotus. This is what the world needs most today. विश्व एबे घड़ी संधि मुहूर्त देई गति करूछे। रूस यूक्रेन युद्ध रे यूरोप महादेश थरुछि। भीषण क्षयति सत्वे रूस यूक्रेन उपरे प्रचंड आक्रमण जारी रखिथिबा बेले ए क्षेत्र रे जातिसंघर असहायता एहार दुर्बलता को प्रतिपादित करूछि। अन्य पक्षरे ताइवान प्रसंग को नहीं आमेरिका और चीन मध्यरे उत्तेजना देखा देछि। युद्ध जोगु विश्व खाद्य ईंधन एवं सार जोगाण क्षेत्र में समस्या बढ़ी। एभली स्थिति रे विश्व अर्थनैतिक मांदावस्था, जलवायु परिवर्तन जनित समस्या, आतंकवाद आदि विश्व पई मुंड बिंधार कारण पलटिछि। एभली समय रे G20 भली गुरुत्वपूर्ण संगठन रो अध्यक्षता दायित्व भारत ग्रहण करिछि। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव
एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। G20 बा ग्रुप ऑफ 20 G20 किंबा ग्रुप ऑफ 20 हेउची विश्वर प्रमुख विकसित तथा विकासशील अर्थनीतिर एक आंतर सरकारी फोरम। एथिरे 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजिल, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका समेत यूरोपीय संघ अंतर्भुक्त। G20 रे भारतर भूमिका सामूहिक भावे G20 विश्वर GDP रो 85%, आंतर्जातीय वाणिज्य रो 75% एवं विश्व जनसंख्यार 2/3 अटे। एहाको आंतर्जातीय अर्थनैतिक सहयोग पाई एक प्रमुख प्लाटफर्म भावे परिणत करे। भारत वर्तमान G20 ट्राइको जेउतरे वर्तमान रो अतीत एवं आगामी G20 रो एक अंश। एथिरे इंडोनेशिया, इटली एवं भारत अंतर्भुक्त। आंतर्जातीय संगठनर समर्थन G20 सदस्यक व्यतीत G20 प्रेसिडेंसीर किछि अतिथि देश तथा आंतर्जातीय संगठन कु G20 बैठक एवं सम्मेलनकु निमंत्रण करिवार परंपरा रहिछि। नियमित आंतर्जातीय संगठन जातिसंघ, IMF, विश्व बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB एवं OECD एवं आंचलिक संगठन AU, AUDANEPAD एवं आसीन मुख्यक व्यतीत भारत रे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एवं संयुक्त आरब एमिरेट्स को निमंत्रण करा जिवो। G20 रे ओडिसा रे पुरी, कोणार्क को भुवनेश्वर रे तीनोटी स्थान रे G20 समावेश सम्मेलनी अनुष्ठित हेउची। शिक्षा, शक्ति और संस्कृति उपरे एही सम्मेलनी रे ओडिसा तार वार्ता और प्रस्ताव रखिवो। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत विश्वगुरु होवार स्वप्न को साकार कर एवं एथिरे ओडिसा रो प्रमुख योगदान रहिबो। केंद्र शिक्षा मंत्रालय रो बड़ प्रयास G20 एक बड़ मंच। एथिरे शिक्षा, शक्ति और संस्कृति उपरे ओडिसा एहार वार्ता और प्रस्ताव रखा जाउछि। केंद्र शिक्षा, दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मार्गदर्शन में प्राय एक मास धरी ओडिशार विभिन्न स्थान में G20 सम्बन्धीय जनसचेतनता कार्यक्रम आयोजन करा जा उत्कल दिवस राज्य में आरंभ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।